और इस बीच एक बड़ी खबर के रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोहतक और सोनीपत दौरा। आज रोहतक में पद्मश्री किशनदास और स्वर्गीय चौधरी चांद राम के स्टैचू का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। रोहतक में दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज सोनीपत दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। स्वर्गीय कुशल सिंह दहिया और स्वर्गीय ब्रिगेडियर होशियार सिंह दहिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दीनबंधु चौधरी छोटीराम विश्वविद्यालय में 135वें ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भी अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री के दौरे के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज रोहतक और सोनीपत दौरा है। रोहतक में दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी सीधे जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करें। देवेंद्र, आज का दिन काफी अहम है रोहतक के लिए। मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं और इस खास कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। जान सकते हैं देवेंद्र क्या क्या तैयारियां की गई हैं और क्या शेड्यूल रहने वाला है यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज? जी मुमताज, देखिए बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो 11 बजे का टेंटेटिव टाइम रखा गया है। 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और फिलहाल हम लोग सोनीपत स्टैंड पे ये शहीद उधम सिंह चौक यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये तस्वीरों में दर्शक देख पा रहे हैं, ये पद्मश्री सेठ श्री किशनदास गोयल उनकी प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण होना है। उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है यहाँ पर। और पूर्व मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, हाविपा भाजपा सरकार जब होती थी चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे तब हरियाणा सरकार में मंत्री रहे थे, बिजली विभाग संभालते थे और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। एक तो पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का यहाँ पर होना है। इसकी तैयारियों की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में भीड़ यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। स्टेज लगा रखी, स्टेज के बैक साइड ये प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम है और जिनकी प्रतिमा है उनके पुत्र जो है मेयर हैं रोहतक के मनमोहन गोयल, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में नवीन को कहूँगा एक बार दिखाएं कि वो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और माना जा रहा है कि जो तय समय है उस पर 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मनमोहन गोयल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनके बेटे हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। सेठ किशनदास के बड़ी हस्ती रही हैं, कई बार चुनाव लड़ा, यहाँ से मंत्री रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यक्रम जो होगा वो होगा पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे चौधरी चांद्राम, उनकी आर्यनगर में हॉस्टल, वहाँ पर प्रतिमा का अनावरण, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे भाजपा के कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में है बीजेपी जो वर्कर हैं उनसे रूबरू होंगे और उसके बाद संभव है कि रोहतक में ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए। ये टोटल शेड्यूल अभी तक हमें मिल पाया है। जी तो देवेंद्र, जाहिर सी बात है आज का दिन तो काफी अहम है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुख्यमंत्री, इस हवाले से कोई जानकारी है आपके पास? अब सवाल दोहराएंगे अपना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री, इस हवाले से कोई जानकारी है देवेंद्र आपके पास? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से सिर्फ इतनी सूचना अभी मीडिया को उपलब्ध करवाई गई है कि मुख्यमंत्री दोपहर बाद मीडिया से रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि वो टाइम क्या रहेगा, वक्त का कोई तय नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से ये दोनों कार्यक्रम निपटने के बाद क्या टाइम उनके पास बचता है, क्योंकि उनके सोनीपत में भी कार्यक्रम है तो उससे पहले जो बीच में जो टाइम रहेगा उसी दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि 12 से 1 बजे के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी का जो शेड्यूल है वो लगभग उस बीच में जो वक्त मिलेगा वो शायद 12 से 1 बजे के बीच में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम वक्त हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई सूचना ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में वक्त के बारे में नहीं दी गई है। जी एक और सवाल है देवेंद्र, किस वक्त तक मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं यहाँ? मुमताज, देखिए मुख्यमंत्री के जहां तक पहुंचने की बात हो तो अभी वक्त 10:30 का होने वाला है और माना यह जा रहा है कि 11 बजे तक यहां पर मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। हालांकि जो प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है उससे उसके साथ हम बिल्कुल स्टेज लगाएगी, यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जी। और मौसम की जहां तक बात है, मौसम सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है तो मौसम ठीक है, मौसम ज्यादा गर्मी वाली कोई बात नहीं है और लोग यहां पर लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। और जो सूचना मिल रही है कि हो सकता है 11 बजे के आसपास या 11:15 बजे तक मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है देवेंद्र, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे लगातार इस खास प्रोग्राम के हवाले से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी के लिए देवेंद्र। ये आप रोहतक से रिपोर्ट देख रहे थे, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खास कार्यक्रम है आज,
यहां रोहतक में पद्मश्री किशनदास के स्टैचू का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री आज यहां। इसके बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तमाम अहम तस्वीरें इस वक्त रोहतक से आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। रोहतक में आज मौसम के हालात ठीक हैं, सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई थी लेकिन फिलहाल मौसम यहां पर ठीक है। तो तमाम अहम तस्वीरें हैं ये रोहतक से आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं।